गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हिंदी फर्स्ट क्लास सेवेंथ का अध्याय 5, जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था। नाम क्या था पाठ का? मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने जहां तक समाप्त किया था, मैं उसके आगे से पढ़ाने जा रहा हूं। पहले मैं कुछ प्रीवियस वीडियो का एक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं अंत में पूरे चैप्टर को ही दिखा दूंगा। देखिए, हम लोगों ने कहां पर अंत किया था कि कुछ दिन बीते, एक व्यापारी पड़वोम के घर आया। वह अपने घोड़ों के लिए चारे की तलाश में था। उसने बताया कि वह बासकीर से आ रहा है। ठीक है, वहाँ उसने पिछले दिनों ही कई हज़ार रूबल में 5,000 बीघा ज़मीन खरीदी है। अब इसके आगे से देखिए। देखिए, पड़वोम ने सोचा कि 1,000 रूबल में, रूबल का अर्थ आप लोग को याद आया? रूसी मुद्रा। देखिए, मैं शब्दार्थ भी उस दिन दिखा दिया था, फिर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, रूबल रूस देश की मुद्रा, मतलब पैसा। आइए, पड़वोम ने सोचा कि 1,000 रूबल में 5,000 बीघा ज़मीन तो बहुत ही सस्ती है। वह वहां जाकर काफ़ी ज़मीन खरीद सकता है और वह अगले दिन ही अपने नौकरों के साथ बासकीर के लिए रवाना हो गया। ठीक है, किसके साथ? नौकरों के साथ। बासकीर के लोगों ने जब पड़वोम को देखा तो उसे चारों ओर से घेर लिया। जब पड़वोम ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन खरीदने आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के मुखिया अस्तारसिन, देखिए अस्तारसिन ने उससे कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है। कल सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। देखिए, भयानक शर्त था। सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे, वह ज़मीन 1,000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी, और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे, रख लेंगे। पड़वोम ज़मीन बेचने के इस अजीब ढंग पर हैरान रह गया। ज़्यादा ज़मीन पाने के लालच में पड़वोम ने उनकी वह शर्त मान ली। शर्त क्या था? शर्त था कि सूर्योदय होते ही वह एक स्थान पर खड़ा हो जाएगा और उसे, मतलब ज़मीन लेने वाले को, पड़वोम को, उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। और सूर्यास्त तक पड़वोम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लेगा, वह ज़मीन उसका होगा कितने में? 1,000 रूबल में। ठीक है, अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1,000 रूबल रख दिए। तब तक वहाँ और भी लोग जमा हो चुके थे। सूर्योदय होते ही वह ज़मीन का चक्कर लगाने निकल पड़ा। वह लंबे लंबे डग भरकर कदमों से चल रहा था ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का चक्कर लगा सके। कुछ दूर चलने पर उसे काफ़ी गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा। उसने कोट उतार दिया और सीधी दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगा जैसे जूते पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। उसने जूते उतार दिए और आगे बढ़ गया। जितना आगे बढ़ूंगा, मुझे उतनी ही ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, यह सोचकर वह और तेज़ गति से चलने लगा। वह, मतलब कौन? पड़वोम। दोपहर हो गई, अब उसे भूख लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और ज़्यादा ज़मीन पाने के लालच में तेज़ी से चल पड़ा। धूप और तेज़ हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थक कर चूर हो गया, फिर भी वह रुका नहीं। वह ज़मीन का लालची था। उसने सोचा, अब ये लाइन लिखा हुआ नहीं है, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत से और अधिक ज़मीन मिल जाए तो क्या बुराई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत सुंदर ज़मीन का टुकड़ा दिखाई पड़ा। ठीक है, वह ज़मीन छोड़ना मूर्खता होगी, यह सोचकर उसने उस ज़मीन का भी चक्कर लगाने का फैसला किया और तेज़ी से चलने लगा।
उसके पाँव में छाले पड़ गए और खून निकलने लगे। उसने सूरज की ओर देखा। किसने? पर्वम ने। तो पता चला कि सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। उसने मुड़कर मुखिया की ओर देखा, वह बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूर्यास्त तक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वह बुरी तरह थक गया था। अब वह हर चीज़ भूल गया, यहाँ तक कि ज़मीन की बात भी। अब वह केवल यह सोच रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। इसीलिए मुखिया के पास पहुँचने के लिए वह चलता गया। जैसे ही वह मुखिया के पास पहुँचा, सूर्यास्त हो गया। पर्वम लड़खड़ाता हुआ मूर्छित सा ज़मीन पर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। देखिए, ज़मीन की लालच कितनी बुरी लालच। मुखिया ने कहा, शाबाश पर्वम, तुमने सचमुच काफ़ी ज़मीन का चक्कर लगाया है। यह सारी ज़मीन तुम्हारी है। पर्वम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पर्वम के मुँह से खून निकल रहा था, वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने पर्वम के नौकर की ओर फावड़ा फेंक कर कहा, ठीक है, फावड़ा समझे, किसानों का एक अस्त्र जो खेतों में जो बैल लेकर जाते हैं किसान लोग। देखिए, पर्वम के नौकर की ओर फावड़ा फेंक कर कहा, इसे दफना दो। नौकर ने पर्वम के सिर से पैर तक 3 गज ज़मीन खोदी और उसे दफना दिया। लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। यह जो कथा है वह रूसी कथा का हिंदी रूपांतरण है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। मैं शब्दार्थ आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक शब्दार्थ देख लीजिए, ठीक है। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पूरे पाठ को आप लोग ध्यानपूर्वक फिर देखिएगा, ताकि प्रश्न उत्तर बनाने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।